हाय गाइस, वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ी सी कमज़ोरी है और थोड़े अभी रेड रेड से दाने हैं और फेस पे और टांगों पे भी छोटे छोटे हैं डेंगू की वजह से, क्योंकि डेंगू में छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बाहुबली और सिम्बा है वो ना, मामा ने उनको ना बाहर गैराज में खुला छोड़ा हुआ था, तो टावल नीचे रखा हुआ था, उनका ही टावल है, तो वो टावल रखा हुआ था तो वो उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो खेलने के बाद तो मामा ने कहा कि ना इनको अब ना एक घर की ज़रूरत है, मतलब जिसमें वो बैठ सके ना आराम से। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने जो घर उनके लिए तैयार किया। तो अभी तो मतलब इतनी ठंड नहीं है तो इसलिए बाहर रहते हैं, क्योंकि बाहर ये प्ले भी कर लेते हैं, लॉन भी है तो लॉन में भी प्ले कर लेते हैं, गैराज में भी प्ले कर लेते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, खुश रहते हैं। तो अंदर तो रिज़र्व हो जाते हैं, फिर अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, घास पे भी खेलते रहते हैं तो उनको मज़ा आता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो है वो मामा और मैंने किया है। मैं करीब जाऊँगी ना तो थोड़ा सा ना ये एक्टिव हो जाते हैं और ना बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ना अभी शायद सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं देखते हैं। ये देखिएगा, ये बनाया और ये सो रहे हैं अंदर, चेक किया आपने, बड़े खुश हैं और सो रहे हैं। ये देखिए, ये है, ये इनका टावल था, टावल अंदर रख के इसमें रख दिया। अब जो है ना वो ऐसे ही हम शाम को इनको अंदर ले जाएंगे और अंदर लेके जाकर तो इसी के ऊपर जो है वो कवर कर देंगे ताकि ये बाहर ना आए। तो बहुत ही मज़े से सो रहे हैं, ये देखें बाहुबली और सिम्बा, बड़े चुनाव के देखते हैं ना जैसे ही, तो वैसे ही बाहर आने की कोशिश करते हैं। ये देखें बारी बारी से सो रहे हैं बाहुबली और सिम्बा। अच्छी बात है कि इनको भी एक ऐसी जगह मिली है, इनको पता भी चलेगा कि बैठना भी है, क्योंकि ना ये जो पहले मैंने आपको मतलब वीडियो में भी दिखाया है जिसके अंदर ये चल के उसको घसीट के लेके आ रहे थे इधर उधर, तो उसके अंदर ना वो बाहर निकल आते थे, उसके अंदर अंदर नहीं बैठते थे। इसमें ना बड़े खुश हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। मामा ने कहा था कि इसके अंदर इनको रख दो, तो मैंने उसको साफ़ सूफ किया बड़ा, और ना मैंने इनका घर बनाया और मुझे अच्छा भी लगा है, प्यारा भी लग रहा है, और वैसे भी इसके अंदर रहेंगे तो इनको आदत भी होगी कि हमने एक जगह पे भी बैठना है, बाहर नहीं आना, क्योंकि ये देख के ना बाहर आने की कोशिश करते हैं। मैं आगे आपको इनकी वीडियो भी दिखाऊँगी, उसमें भी ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं इसी के अंदर से। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वो बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट वीडियो नहीं, मैं पूरा व्लॉग इसका बना के डालती हूँ। तो ये मैंने इस वजह से जो है वो क्लिप मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो उम्मीद है आपको इनका घर अच्छा लगा होगा। तो आगे आप लोग भी आइडियाज़ कमेंट में बताइएगा, अगर किसी के पास डॉग या कैट्स हैं कि वो कैसे केयर करते हैं, क्योंकि इतने छोटे हैं ये, तो इनके नेल्स भी हैं, तो मामा जब करती है ना उनकी केयर से मुराद के उनको दूध पिलाती हैं स्ट्रिंज से, आपने देखा भी है व्लॉग में, तो तब ना ये ऊपर ऊपर, बाहुबली तो बहुत ऊपर ऊपर आके ना चढ़ता है,
तो बहुत ज़्यादा नेल्स वगैरह फिर लगते हैं, और आपको दिखाया भी था कि मामा को चोट भी लगी थी, चोट तो नहीं है वैसे ही उनके नेल्स वगैरह लगे हुए थे, तो बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इनका घर देखकर अच्छा लगा होगा। तो पीछे जो आपको आवाज़ें आ रही हैं वो पैरट्स की आ रही हैं, किसी दिन उनका भी विज़िट करवाऊंगी। तो अभी के लिए खुदा हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बाय।